स्टूडेंट्स दिस इज वीडियो नंबर 3। हाँ जी, हमने किस पर क्लिक किया था? कंपोज ऑप्शन पर क्लिक किया था। न्यू मैसेज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, फ्रॉम वेयर यू कैन कंपोज योर मेल। हाँ जी, यहाँ से हम अपनी मेल को क्या करेंगे? कंपोज करेंगे। ओके, इन दिस न्यू मैसेज बॉक्स आपके पास बहुत सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं। द वेरी फर्स्ट वन फील्ड इज टू फील्ड। बेटा हेयर यू कैन टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू हुम यू वांट टू सेंड द मेल। ठीक है, आपको मेल जिसको भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए और उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप क्या करेंगे? टाइप करेंगे। बच्चे जिस तरह से लेटर सेंड करने के लिए आपको पोस्टल एड्रेस पता होना चाहिए किसी का, इसी तरह से उसको मेल सेंड करने के लिए आपको उसकी मेल आईडी पता होना चाहिए। सपोज आई वांट टू सेंड दिस मेल टू माई सेल्फ, आप अपने आप को भी मेल सेंड कर सकते हैं। ओके, मैंने अपना ही एड्रेस टाइप कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन है सीसी एंड बीसीसी। सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। बेटा इफ़ यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ दिस मेल, ठीक है, आप किसी और रेसिपिएंट को सेम मेल की कॉपी भेजना चाहते हैं तो क्लिक ऑन सीसी ऑप्शन। बेटा सीसी ऑप्शन में आप और एड्रेसेस क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं। सपोज आई वांट टू सेंड दिस मेल टू अनदर, दैट इज टू दिस पर्सन। ओके, एंड यू कैन टाइप अनदर एड्रेस आल्सो इन दिस वे कार्बन कॉपी। ठीक है, आप सेम मेल की एक कॉपी भेज देंगे उन रेसिपिएंट्स को। कार्बन कॉपी में जिस रेसिपिएंट को आप ये मेल सेंड कर रहे हैं उन सबको पता चलेगा कि आपने और किस किस रेसिपिएंट को ये मेल सेंड की है। ओके, अगर आप ऑप्शन चूज कर लेते हैं बीसीसी, बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इट इज़ आल्सो यूज्ड टू सेंड अ कॉपी ऑफ द मेल टू सेवरल पीपल, बट द ईमेल एड्रेस मेंशन्ड इन दिस फील्ड इज नॉट विजिबल टू अदर रेसिपिएंट्स ऑफ द मेल। मीन्स आप यहाँ पर जो भी एड्रेस डालेंगे वो अदर रेसिपिएंट्स को विजिबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टू सीसी एंड बीसीसी फील्ड? टू में आप उस पर्सन का एड्रेस डालेंगे टू हुम यू वांट टू सेंड द मेल। सीसी मीन्स इफ यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ द मेल टू अदर पर रेसिपिएंट। एंड नेक्स्ट इज बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट मीन्स आपको क्या करना है? एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डालनी है मेल की। ठीक है, आई वांट कि मुझे क्लास 9th के नोट्स सेंड करने हैं, तो मैंने यहाँ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डाल दी, नोट्स ऑफ क्लास 9th। इज इट क्लियर? एक मीन्स जिसको भी ये मेल मिलेगी उसे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि उसकी मेल में क्या आ रहा है, नोट्स ऑफ क्लास 9th। नेक्स्ट इज टाइप योर मैसेज हेयर इन द मैसेज बॉक्स। नाउ दिस इज योर मैसेज बॉक्स, टाइप हेयर। बच्चे यहाँ पर मैंने अपने ऑलरेडी सिग्नेचर ऐड किए हुए हैं। ये सिग्नेचर आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं? यू कैन ऐड योर सिग्नेचर बाय इंसर्ट सिग्नेचर। ओके, माय सिग्नेचर। अगर आप इन्हें चेंज करना चाहते हैं तो मैनेज सिग्नेचर पे क्लिक कीजिए। आपके पास ऑप्शन, ये इस तरह की एक सेटिंग ऑप्शन ओपन हो जाएगी। फ्रॉम हेयर यू कैन मैनेज, यू कैन टाइप एडिट योर सिग्नेचर्स। ठीक है, आप अपने सिग्नेचर्स को क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस। इन दिस वे यू कैन ऐड योर सिग्नेचर्स। नेक्स्ट इज यू कैन आल्सो अटैच अ फाइल। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट लिख दिया, प्लीज फाइंड द एनक्लोज्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। प्लीज फाइंड द एनक्लोज्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आई वॉन्ट, जिस तरह से आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हुए आप क्या करते हैं बेटा? मैसेज सेंड करते हुए आप डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हो ना, इसी तरह मेल में भी आप डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हो। आप टेक्स्ट तो सेंड कर ही सकते हो, साथ ही आप किसी वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल या कोई इमेज या वीडियो और साउंड कुछ भी अटैच कर सकते हो। उसके लिए यू हैव टू क्लिक ऑन द अटैच फाइल ऑप्शन। ओके, नाउ क्लिक ऑन दिस अटैच फाइल, ब्राउज द लोकेशन ऑफ द फाइल फ्रॉम वेयर यू वॉन्ट टू पिक दैट फाइल। अब आई वॉन्ट टू पिक द फाइल फ्रॉम द डेस्कटॉप। ओके, ऑन द डेस्कटॉप आई हैव अ फाइल नेम एज क्लास 9th नोट्स। ओके, सो आई वॉन्ट टू क्लास 9th डॉट नोट्स डॉट डी ओ सी एक्स।
ओके एक वर्ड की फाइल है, आई वॉन्ट टू अटैच दैट फाइल। ओके देखो फाइल अटैच हो गई, जैसे ही फाइल अटैच हो जाती है यू कैन सेंड दिस। ठीक है, जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूँगी एक मैसेज आ रहा है सेंडिंग एंड मैसेज सेंड। देखो विद इन फ्यू फ्यू सेकेंड्स आपका मैसेज क्या हो गया, सेंड हो गया। इन दिस वे यू कैन सेंड द मैसेज। हाँ जी आप मैसेज सेंड कर सकते हो, आप मेल को कंपोज कर सकते हो यूजिंग कंपोज मेल। देखो मेरे इनबॉक्स में सबसे ऊपर मेल आई हुई है नोट्स ऑफ क्लास 9, दैट इज़ द सब्जेक्ट, और मैंने टेक्स्ट लिखा था प्लीज़ फाइंड द इनक्लोज कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, और साथ ही एक वर्ड फाइल अटैच की है इसके साथ नेम एज क्लास 9 नोट्स डॉट डी ओ सी एक्स, दैट इज़ अ फाइल ऑफ वर्ड फाइल। इज इट क्लियर हाउ टू सेंड अ फाइल, और सॉरी हाउ टू सेंड अ ईमेल एंड हाउ टू अटैच अ फाइल टू द ईमेल। अब देखो बेटा, अब आपके पास जो इस तरह से हमने सीख लिया कि कैसे आप एक मेल को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम सीखेंगे कि अगर आपको कोई मेल किसी पर्सन ने भेजी है और आप उसे रिप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स उसी का रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, और या फिर आप उसी की मेल को किसी और पर्सन को क्या करना चाहते हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हैं, सो हाउ कैन यू डू दिस। उसके लिए फॉर एग्जाम्पल अभी अभी इस बच्चे ने मेरे पास एक मेल सेंड की है, नितिका 10th C, आई वॉन्ट टू ओपन नाउ क्लिक। जैसे ही आप इसकी मेल पर क्लिक करेंगे दिस विंडो विल गेट ओपन। ओके नाउ द हेयर टू ऑप्शंस, ये दो ऑप्शन डिस्प्ले कर रहा है बेटा, द हेयर इज इट्स रिप्लाई एंड सेकेंड ऑप्शन इज फॉरवर्ड। बेटा जैसे ही मैं रिप्लाई पे क्लिक करूँगी तो इसको देखो ऑलरेडी आप यहाँ पर जो भी मैसेज सेंड करेंगे, मैसेज लिखेंगे सॉरी, वो मैसेज आपको सिंपली क्या करना है, नो नीड टू टाइप हेयर द एड्रेस ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि जिससे मेल आई है ये उसी पे ही क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। ओके आई एम सेंडिंग अ रिप्लाई, गुड जॉब। ओके इन दिस वे यू कैन सेंड अ मैसेज, इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट आपके पास अगेन गो टू इनबॉक्स, नाउ आई वॉन्ट टू फॉरवर्ड दिस मैसेज। ओके फॉरवर्ड करने के लिए सिंपली क्लिक ऑन फॉरवर्ड बटन एंड हेयर टाइप द एड्रेस टू हुम यू वॉन्ट टू फॉरवर्ड दिस मेल, सो टाइप द एड्रेस हेयर इन द टू फील्ड। ओके जिस तरह से आपने कंपोज करते हुए टू फील्ड में एड्रेस डाला था, सिमिलरली यहाँ भी हम क्या डालेंगे, एड्रेस डाल देंगे जिसको भी आप क्या करना चाहते हैं, ये मेल फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ओके अगेन इफ यू वॉन्ट टू यूज CC और BCC ऑप्शन, आफ्टर टाइपिंग द एड्रेस यू सिंपली क्लिक ऑन द सेंड बटन। ओके नाउ क्लिक ऑन द सेंड, और ये सेम जो आपके पास मेल आई थी वो आगे क्या हो गई, फॉरवर्ड हो गई। इज इट क्लियर बेटा? सो इज इट क्लियर वट इज़ द यूज ऑफ इनबॉक्स एंड हाउ कैन यू कंपोज अ न्यू मेल? नेक्स्ट वट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सेंड फोल्डर? बेटा अब तक आपने जिसको भी मेल सेंड की है, ठीक है, जो जो मेल आपके मेल आईडी से सेंड हुई हैं वो आपकी सेंड फोल्डर में आती है। ओके सो ये सारी मेल्स हैं जो आपने अभी तक सेंड की हुई हैं, उन सब का रिकॉर्ड है ये। सो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन कंपोज योर मेल, you can check your inbox for the received mails and you can also check कि आपने किस किस को mails send की हुई हैं। If you want to mark some mails as important mails तो you can click on the important and आपके पास जो जिसको भी आप select करेंगे that mail आपके पास क्या हो जाएगी, important mark हो जाएगी। Is it clear? So students in this way we can compose the new mail or we can check the received mail. So students you have to read this chapter and try to send your assignments to your teachers on the mail. So students have a nice day and remain safe at your home.